नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछले भाग में आपने जाना था कैसे काम पिशाच का असर एक लड़की पर पड़ जाता है। अब आगे वह जब उस अघोरी से बात करती है तो अघोरी कहता है कि इसके लिए मैं बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं हूँ, और अगर तुम इसी प्रकार मुझसे बात करोगी तो मैं तुम्हारी कोई मदद भी नहीं करूंगा, क्योंकि तुमने मुझे बिना किसी मतलब के पुलिस के पास फंसा दिया है। तब लड़की ने कहा, ठीक है, अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें पुलिस से बचा सकती हूँ। तब वह अघोरी तांत्रिक कहता है कि अगर तुम मुझे पुलिस से बचा लेती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इसके लिए मुझे वापस से उसी शमशान भूमि में जाना पड़ेगा। यह सुनकर लड़की ने कहा, मैं कैसे मानूं? अगर तुमने मुझसे झूठ बोला तो? तब वह कहता है, हम लोग झूठ नहीं बोलते हैं। मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं तुम्हें उससे मिलवा दूंगा। तब लड़की ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें इस पुलिस स्टेशन से बचा कर वापस तुम्हारे घर उस कुटिया तक लेकर चलती हूँ। लड़की वहाँ से बाहर निकली और पुलिस वाले से जाकर बात करने लगी। उसने कहा, आप परेशान मत होइए, आपका सारा काम इसने मुझे बता दिया है। शायद आपके डर के कारण यह मुझसे अपने सारे रहस्य खोल रहा है। इसने कहा है कि इसने मेरा सारा सोना और जवाहरात उसी शमशान भूमि में उसकी कुटिया में नीचे गाड़ कर दबाया हुआ है, और कह रहा है कि आप अगर पुलिस केस वापस ले लें तो मैं आपको आपका सारा सामान वापस कर दूंगा। उसकी बात को मानकर मैं अब उसके साथ और अपने साथियों के साथ कार में बैठकर इसकी उसी कुटिया पर जाऊंगी और वहां से अपना सामान वापस प्राप्त कर लूंगी। मेरा एक अनुरोध है, आप इसे छोड़ दीजिए। पुलिस वाले ने कहा, ठीक है, अगर आप अपनी कंप्लेंट वापस लेती हैं तो मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन सावधान रहिएगा, और अगर आप कहें तो दो कांस्टेबल मैं आपके साथ इसके घर तक के लिए भेज सकता हूँ। तब वह लड़की कहती है, इसकी भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि यह अब झूठ नहीं बोल रहा है। आप इसके लिए भी परेशान मत होइए, और हाँ, अगर कोई परेशानी होती है तो फिर मैं आपके पास दोबारा आ जाऊंगी। यह कहकर वह लड़की मुस्कुरा देती है। पुलिस अफसर उसकी बात को समझते हुए कहता है, हम लोग तो जनता की सेवा के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसलिए आप जब भी और जितनी बार भी हमसे सहायता लेने के लिए आ सकती हैं, आप इस बात के लिए बिल्कुल भी परेशान मत होइए, मैं इसे छोड़ रहा हूँ। तो इस प्रकार वह उस तांत्रिक अघोरी को छोड़ देते हैं, और तांत्रिक अघोरी उस लड़की के साथ उसकी कार में बैठकर अपने शमशान भूमि की ओर निकल पड़ता है। धीरे धीरे गाड़ी उस जगह पहुँच जाती है और अघोरी कहता है, तुमने मुझे मेरे घर तक तो पहुँचा दिया है, लेकिन जिस कार्य में तुम मेरी मदद लेनी चाहती हो उसके लिए तुम्हें शाम होने का इंतजार करना पड़ेगा, इसलिए अपने घर लौट जाओ। यह सुनकर लड़की कहती है, ठीक है, लेकिन मैं कैसे मानूं कि तुम यहाँ रुकोगे? कहीं यहाँ से भाग गए तो मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूंगी? इसीलिए अपना एक साथी मैं तुम्हारे साथ छोड़ देती हूँ। और यह कहकर लड़की बाकी सभी दोस्तों के साथ वहां से निकल गई और अपना एक साथी उस तांत्रिक के पास छोड़कर चली गई। शाम के समय लड़की बहुत जल्दी तैयार होकर उस शमशान भूमि में आना चाहती थी, और उसने अपने साथियों को एक बार फिर से बुला लिया और सारे के सारे उस शमशान भूमि की ओर निकल पड़े। जल्दी ही वह कार वहां पहुंच गई और शमशान भूमि में किनारे पर
अपनी गाड़ी पार्क करने के बाद वह सीधे उस अघोरी की कुटिया पर पहुंच जाते हैं। अघोरी एक विशेष तरह की कोई तांत्रिक साधना कर रहा था। वह अपने सामने जलते हुए हवन कुंड में मुर्गे को काटकर उसके रक्त की बलि दे रहा था। उसके रक्त से ही वह आहुतियां दे रहा था। यह देखकर लड़की थोड़ा रुक जाती है और चुपचाप वहीं पर किनारे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद वह अपनी साधना खत्म कर देता है और फिर उस लड़की से पूछता है कि ठीक है तो तुम क्या तैयार हो उस शक्ति से मिलने के लिए। तो लड़की कहती है मैं तो पूरी तरह तैयार हूँ। तो कहता है मैं पहले यह तो जान लूं कि तुम उससे साक्षात मिल पाओगी या नहीं। इसके लिए एक छोटा सा काम करो, सामने एक मुर्गा है, देखो यह जिंदा है, जाओ इसे पकड़ो और सामने देखो एक चिता जल रही है। तब लड़की ने कहा हाँ सामने एक बहुत तेज चिता जल रही है और इसमें मुझे जाकर क्या फिर से अपने सिर का बाल डालना पड़ेगा। तब तांत्रिक हंसने लगा, उसने कहा तुम सब लोग समझते हो कि जैसा एक बार बताया गया वही बार बार करते रहना है, अब तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना। उस दिन तो मैंने तुम्हारे बाल के माध्यम से उस शक्ति को तुमसे जोड़ दिया था ताकि तुम्हें पता लगे कि ऐसी चीजें होती हैं। लेकिन यहाँ पर तुम उसे खाना खिलाओगी। यह सुनकर लड़की कहने लगी कि क्या ऐसी शक्तियों को खाना भी देना पड़ता है और जब इनका शरीर ही नहीं है तो यह खाते क्या है। तब तांत्रिक हंसकर कहने लगा तुम्हें इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है, इसलिए तुम इस बात को कभी नहीं समझ सकती हो कि इन प्रेत आत्माओं का भोजन आखिर होता क्या है। इनका भोजन बहुत खतरनाक होता है। इन्हें जीव का शरीर, उसका रक्त और उसकी मौत तीनों बहुत पसंद होते हैं। सबसे ज्यादा उस चीज को यह शक्तियाँ पसंद करती हैं जिसे उन्होंने अपने जीवन में ज्यादातर भोग के रूप में लिया हो। जैसे कि मैं यहाँ पर उस मुर्गे को उसे दे रहा हूँ। यह मुर्गा जब तुम उसे खाने के रूप में दोगी तो यह उसे खाएगा, क्योंकि अपने जीवन में भी इसने बहुत सारे मुर्गे खाए होंगे और इन आत्माओं को जो भोग पसंद होता है वही इन्हें दिया जाता है। हर एक आत्मा को उसकी इच्छा अनुसार वही भोग देना चाहिए जो वह स्वयं पसंद करता हो। यह विद्या और इसकी जानकारी केवल गुरु ही बता सकता है। आप कभी ऐसा ना करें कि जिसका जो भोग हो उसकी जगह कुछ और भोग उसे दे दो तो वह प्रसन्न होने के बजाय तुम पर क्रोधित हो जाएगा। इसलिए इसमें भी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। तुमने सुना होगा जैसे संतोषी माता हैं, उनकी पूजा में अगर तुम नींबू उन्हें काट कर चढ़ा दो तो क्या होगा, ऐसा ही कुछ है। अगर आपने यह नहीं जाना कि किस शक्ति को कौन सा भोग देना है तो आप उसके ही प्रपंच में फंस कर अपना विनाश कर लेते हो। यह बात सुनकर लड़की कहने लगी यह बस अब तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी क्योंकि मैं तो कुछ भी नहीं जानती और जो तुम मुझसे करवा रहे हो अगर उसमें कुछ गलत हुआ तो जानते हो ना मैं तुरंत पुलिस वाले के पास पहुंच जाऊंगी और फिर वह तुम्हारा क्या करेंगे तुम सोच ही सकते हो। अघोरी ने कहा ठीक है मैंने बताया ना जिसका जो भोग होता है उसको वही दिया जाता है, तो जिसको तुम भोग देने जा रही हो वह यही खाता है, इसलिए जाओ उस पिंजड़े से उस मुर्गे को निकालो और वह मुर्गा उस जलती हुई चिता में डाल दो। तब वह लड़की कहती है ठीक है मैं यह भी करने के लिए तैयार हूँ और वह पिंजड़े में रखे हुए उस मुर्गे को उसकी गर्दन से पकड़ लेती है। वह बाबा उसे अपने पास बुलाता है और कहता है सुनो मैं तुम्हारे कान में एक मंत्र बोल रहा हूँ, यही मंत्र बोलकर तुम बस उस जलती चिता में इस मुर्गे को डाल देना। तब लड़की कहती है ठीक है मैं यह करती हूँ और इसी मंत्र को पढ़ते हुए इस
मुर्गे को उस जलती हुई चिता में डालूंगी। लड़की अब तेजी से उस ओर बढ़ती है। लगभग रात्रि का समय हो चुका था। सूरज पूरी तरह छिप चुका था और अंधेरा पूरी तरह चारों तरफ फैल चुका था। इस बात को समझते हुए कि लड़की कुछ विशेष करने वाली है, बाकी दोस्तों ने उससे कहा, यह तुमसे पता नहीं क्या क्या करवा रहा है, तुम सावधान भी हो जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गड़बड़ हो जाए। तब लड़की ने कहा, सुनो, अगर मुझे कोई परेशानी होती भी है तो तुम लोग एक बात ध्यान रखना, इस अघोरी को पकड़कर पुलिस वाले को सौंप देना, यह मजबूरी में सब सही करेगा। दोस्तों ने कहा, ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। और वह लड़की उस मुर्गे को लेकर उस चिता के ठीक सामने पहुंच जाती है। उस अघोरी के द्वारा बताए गए मंत्र का वह एक माला जाप करती है और फिर उस मुर्गे को अंदर चिता पे फेंक देती है। इसके बाद जो दिखाई देता है वह सच में अद्भुत था। आज तक उस लड़की ने ऐसा कुछ नहीं देखा था। जैसे ही वह मुर्गा उस चिता के अंदर फेंका जाता है, वह मुर्गा वहां से तेजी से जलता हुआ ऊपर की ओर कूदकर उड़ने लगता है, क्योंकि गर्माहट और शरीर में जलन के कारण मुर्गा बहुत तेजी से उस चिता से भागने की कोशिश करता है और जलते हुए उसके शरीर के साथ ही जो चमत्कार सामने दिखाई देता है कि मुर्गा थोड़ी दूर हवा में जलता हुआ ऊपर की ओर उड़ता जाता है कि तभी वह मुर्गा अचानक से गायब हो जाता है। यह देखकर लड़की घबरा जाती है, दो कदम पीछे हो जाती है और जितने लोगों ने वह नजारा देखा अपनी आंखों पर वह विश्वास नहीं कर पाते हैं। कोई यह नहीं सोच सकता था कि उनकी आंखों के सामने मुर्गा इस प्रकार से गायब हो सकता है। यह क्या था, यह तंत्र विद्या कैसी होती है जो ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। इधर अघोरी जोर जोर से हंसने लगता है। इसके बाद क्या हुआ गुरुजी, अगले पत्र के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आपका और दर्शकों का विशेष रूप से धन्यवाद। तो देखिए, यहाँ पर हमने जाना कि तंत्र विद्या में भोग जब दिया जाता है तो हमेशा जैसी शक्ति हो वैसा ही भोग देना चाहिए। आगे की कहानी में हम लोग इसके आगे की घटना के विषय में जानकारी प्राप्त करें। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय माँ पराशक्ति।